तो दिवाली में मिट्टी के दिए की डिमांड बढ़ी है, जिससे मिट्टी के दिए बनाने वालों में उम्मीद जगी है। लेकिन मिट्टी के दिए बनाने वालों इन कुम्हारों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए कुम्हारों के दर्द पर हमारी ये रिपोर्ट। मिट्टी के दियों को बनता देखना अच्छा लगता है, ये कुम्हारों की जीविका का मुख्य साधन है। लेकिन दिए को चाक तक पहुँचाने से पहले कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हर एक प्रोसेस में कुम्हार को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहली समस्या इन दोनों मिट्टी की आ रही है। जिन जगहों से पहले मिट्टी आती थी वहां आबादी बढ़ गई है, इसीलिए मिट्टी भी महंगी हो गई है। इसे बनाना, पकाना और बेचना भी दूभर है, क्योंकि बेचने के लिए दूर जाना पड़ता है। इस बार बारिश ने भी कुम्हारों को खूब रुलाया। सामान कम ही बना है, ज्यादा बन नहीं पाया। बादल पानी लेके सूख भी नहीं कर रहा है, बन ही नहीं पा रहा है। दशहरा से लेके इधर 15 दिन समय रहता है, एक हफ्ता में बन नहीं रहा, बस डेली पानी मार रहा है। रेट में डिफरेंस है काहे कि देखिए, अगर कोयला लकड़ी सब हम लोग महंगा मिलता है, हम लोग मिट्टी भी खरीद के मंगाते हैं। टोटल चीज खरीद के हम लोग यहाँ टाउन में करते हैं तो हम लोग का थोड़ा सा रेट है। अच्छा, और माल भी हम लोग को रहता है थोड़ा फिनिशिंग। पहले हम 2 रुपए पीस करके पहले पर साल बेचे, अब 2 रुपए करके बेचेंगे। हर जगह और हर चीज में महंगाई बढ़ रही है। इसका असर दियो और मिट्टी के सामानों पर भी पड़ रहा है। लेकिन कुम्हारों को ये उम्मीद है कि उन्हें उनकी कीमत मिल जाएगी। इस हिसाब से मार्केट में डिमांड है अच्छे से अच्छे दिए का, उस तरह हम लोग देने का कोशिश इस बार किया है। और महंगाई की बात है तो महंगाई तो बढ़ ही रहा हर चीज का, उस हिसाब से हम लोग को भी नहीं मिलता है। लेकिन इस साल लगभग अंदाज है कि दिया 100 से 150 रुपया प्रति सौ बिकने की उम्मीद है। यहाँ दुमका में मिट्टी जो है बलवाही मिट्टी थोड़ा सा है, इसलिए यहाँ ज़्यादा डिजाइन वाला दिया नहीं बन सकता है। जो परंपरागत दिया है वही बनता है यहाँ पे, और उसी को बना रहे हैं हम लोग, और आशा करते हैं कि वही बिके। तो कोई 1000 बना लेता है, अपना जैसा समय रहता है उस हिसाब से बनाते हैं, और काम भी हो जाता है ना, इसलिए ऐसे तो बहुत दूर दूर तक ले जाते हैं दिया। लेकिन समय में हम लोग उतना बना ही नहीं पाते हैं, हम लोग के पास उतना अच्छी सामान नहीं रहता है। समस्याएं हर तरफ है, लेकिन कुम्हार दिन रात काम में जुटे हुए हैं। उम्मीद पर वे जी रहे हैं, और हर कोई यही कामना कर रहा है कि उनकी उम्मीदें पूरी हो। लोहरदगा से आसिफ और दुमका से राकेश की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।